Hello students, welcome back to Subject Learners. Today I am going to cover what is historical novel, its main characteristics and some important facts about it. Without wasting our time, let's start with the definition. According to J.A. Cuddon, the historical novel is a form of fictional narrative which reconstructs history and recreates it imaginatively. J.A. Cuddon के अनुसार क्या है, द हिस्टोरिकल नावल इज अ फॉर्म ऑफ फिक्शनल नैरेटिव. हिस्टोरिकल नावल है एक फिक्शनल नैरेटिव की फॉर्म, मतलब फिक्शनल नैरेटिव मतलब कि इमेजिनरी कथा, कहानी, ठीक है, विच रिकन्स्ट्रक्ट जो कि दोबारा से बनाती है हिस्ट्री को एंड रिक्रिएट्स इट इमेजिनेटिवली, और इसको दोबारा बनाती है कैसे, रिक्रिएट करती है कैसे, काल्पनिक तौर से, इमेजिनेटिवली, ठीक है. हिस्ट्री हिस्टोरिकल नॉवेल इज अ नैरेटिव जनरली ऑफ एन एडवेंचरस नेचर इन विच एन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल फिगर इज प्रोवाइडेड फॉर द डीड्स ऑफ फिक्टिशियस कैरेक्टर्स. हिस्टोरिकल नॉवेल क्या है, एक कहानी है, कथा है, नैरेटिव को मतलब कहानी कथा, जो कि है एडवेंचरस है नेचर से. एडवेंचरस क्या होती है, जिसमें कोई भी एक्साइटिंग मोमेंट हो, कोई भी एक्साइटिंग इवेंट हो, और इन विच एन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल फिगर, जिसमें कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जिसके साथ साथ हिस्टोरिकल फिगर हो, इज प्रोवाइडेड. और किस लिए प्रोवाइड किया जाएगा, फॉर द डीड्स ऑफ फिक्टिशियस कैरेक्टर. डीड्स मतलब कि काम के लिए, फिक्टिशियस कैरेक्टर्स के काम के लिए ये सब प्रोवाइड किया गया है, क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल फिगर्स. स्कॉट इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ सच स्टोरीज इन इंग्लिश. स्कॉट को जो है सबसे अच्छा राइटर माना जाता है इस तरीके की स्टोरीज में. हिज नॉवेल्स आर कॉल्ड वेवरली नॉवेल्स. इनकी नॉवेल्स को वेवरली नॉवेल्स कहते थे. ही रोट हिज नॉवेल्स ऑन अ फ्रेमवर्क ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट. इन्होंने अपनी नॉवेल्स को कैसे लिखा, एक फ्रेमवर्क मतलब कि स्ट्रक्चर दिया, कैसा, हिस्टोरिकल इवेंट्स का एक स्ट्रक्चर दिया. अब देखते हैं सर वॉल्टर स्कॉट्स कंट्रीब्यूशन टू हिस्टोरिकल नॉवेल. इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि इन्होंने क्या योगदान दिया है हिस्टोरिकल नॉवेल्स में. सर वॉल्टर स्कॉट वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 15, 1771 एडिनबर्ग स्कॉटलैंड एंड डाइड ऑन सेप्टेम्बर 21 एडिनबर्ग स्कॉटलैंड. हु इज ऑफन कंसिडर्ड द इन्वेंटर एंड फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल. थोड़ा सा पहले इनकी बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं, ताकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में. कब हुआ था, 15 अगस्त 1771 में, और डेथ हुई थी 21 सितंबर एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में. इनको क्या माना जाता है, इन्वेंटर और फादर माना जाता है हिस्टोरिकल नॉवेल का. स्कॉट्स हिस्टोरिकल नॉवेल आर वेरी फेमस. इनकी नॉवेल्स जो है बहुत फेमस हैं. He is one of the greatest historical novel writer. ये बहुत बड़े historical novel writer हैं. He wrote more than 27 novels. इन्होंने 27 से भी ज़्यादा novels लिखी. Historical novels showed the most marked development because of the novels of Scott. Historical novel में सबसे ज़्यादा developed, marked development मतलब कि important development का इनकी वजह से ही दिखाई गई, इनकी novels की वजह से, किसकी, Scott की novels की वजह से. Inspired by the principle of historical romance, Scott tried to write his historical novel. ये प्रभावित हुए किसके, historical romance के principle से, तभी इन्होंने try किया कि historical novel कुछ लिखते हैं. Some of his famous novels are 11th Century, Count Robert of Paris, The Betrothed, Cast of Dangerous, etc. Notable contribution of Scott to the creation of historical novel is this, that he gave the novel a firm footing in English literature. एक notable contribution क्या है इनका, Scott का historical novel के creation में, कि इन्होंने एक firm footing का मतलब क्या है, कि एक strong hold दिया, एक अच्छा hold दिया English literature में historical novel को. He made it a literary form to instruct and elevate the mind. इन्होंने एक इसको लिटरेरी फॉर्म बना लिया, इंस्ट्रक्ट मतलब कि गाइड करने के लिए, और एलिवेट द माइंड मतलब कि माइंड को रेज करने के लिए. इट वॉज वॉल्टर स्कॉट हु सेट द नॉवेल ऑन इट्स फीट अगेन.
ये वॉल्टर स्कॉट ही थे जिन्होंने इसको एक फिर से सेट ऑन इट्स फीट अगेन का मतलब कि किसी की पोजीशन रिस्टोर करने से है यहाँ पे। तो हिस्टोरिकल नॉवेल की पोजीशन रिस्टोर करने में सबसे ज़्यादा किसने का वो किया योगदान दिया, वॉल्टर स्कॉट ने। ही ब्रॉट टू द कंटेम्प्रेरी इंटरेस्ट इन द रोमांटिक पास्ट। ये रोमांटिक पास्ट में भी कंटेम्प्रेरी इंटरेस्ट है। कंटेम्प्रेरी मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसी सेम टाइम से बिलोंग करती है, जिस टाइम से बात हो रही है, ठीक है। हिज ओन स्प्लेंडेड गिफ्ट ऑफ इमेजिनेशन डेवलप्ड एन ऑलमोस्ट न्यू जनरा। इनके खुद के ही स्प्लेंडेड मतलब कि शानदार इमेजिनेशन, इनकी मतलब कि खुद की शानदार इमेजिनेशन ने जो है एक न्यू जनरा बना दिया। जनरा मतलब कि अ पर्टिकुलर स्टाइल और टाइप, मतलब इनके खुद की शानदार इमेजिनेशन के वजह से ही एक इनका खुद का स्टाइल या टाइप बन गया थ्रू हिज हिस्टोरिकल नॉवेल। इनकी हिस्टोरिकल नॉवेल की वजह से ही टुक नेम्स एंड डेट्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल प्राइमर हिस्ट्री प्राइमर एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू लिटरेचर। इन्होंने क्या लिया, डेट्स और नेम्स जो है हिस्ट्री से लिए, मोस्टली हिस्ट्री से लिए और उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने लिटरेचर में। ही मेड ड्राई बोन्स अलाइव। इन्होंने सूखी हड्डियों को भी जीवित दिखा दिया, ऐसी इनकी इमेजिनेशन थी। लाइक एन इंचेंटर ही वॉक्ड थ्रू द टॉम्ब ऑफ टाइम एंड क्विकेंड इन टू द लाइफ देयर घोस्टली इनहेबिटेंट्स। ये लाइक एन इंचेंटर मतलब कि एक जादूगर की तरह ये वापस चले गए टाइम में, टॉम्ब ऑफ टाइम मतलब कि वापस टाइम में हिस्ट्री में चले गए एंड क्विकन इन टू लाइफ देयर घोस्टली इनहेबिटेंट्स, और उनको उन इनहेबिटेंट्स को भी घोस्टली इनहेबिटेंट्स को भी लाइफ में ला दिया, मतलब जिन इनहेबिटेंट्स की डेथ हो चुकी थी उनको भी लाइफ में दिखा दिया, इतनी इनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग थी। स्कॉट हैड अ जीनियस फॉर वाइटलाइजिंग द पास्ट। जीनियस यहाँ पे क्या मतलब है कि एक एबिलिटी से, एक अनयूजुअल एबिलिटी से, इनके पास एक अनयूजुअल एबिलिटी थी कि वो ये पास्ट को भी जीवंत दिखा सकते थे। ही वॉज अ बॉर्न स्टोरी टेलर, मतलब कि बाय बर्थ है कि ये स्टोरी टेलर थे। ही हैड अ इंट्यूटिव परसेप्शन ऑफ वेल्डिंग टूगेदर द पास्ट एंड प्रेजेंट इन अ होमोजीनियस होल एंड शोड अस द स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी ऑफ हिस्ट्री। इनके पास एक इंट्यूटिव परसेप्शन का मतलब क्या है, इंट्यूटिव मतलब नेचुरल और परसेप्शन का मतलब अंडरस्टैंडिंग। एक इनके पास नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी कि ये पास्ट और प्रेजेंट को ऐसे बना जोड़ते थे, वेल्डिंग का मतलब जोड़ना होता है ना, तो ऐसे जोड़ते थे कि जैसे कि वो एक बिल्कुल नेचुरल सा लगता था, कि बिल्कुल सेम लगते थे, पास्ट और प्रेजेंट में कोई डिफरेंस पता ही नहीं चलता था, वो बिल्कुल सेम लगते थे। As the spiritual continuity of history, और इन्होंने हम लोग को spiritual continuity भी दिखाई history की। To present and interpret fact was the historian's business. Present का मतलब कि दिखाना और interpret का मतलब व्याख्या करना, उनको मतलब explain करना, तो ये सब क्या है, historians का काम है, business है, मतलब काम है। To summon up a past epoch मतलब पिछले युग को सामने लाना, टू शो मैन एंड वीमेन अलाइव इन इट, और मैन और वीमेन को अलाइव दिखाना, जिंदा दिखाना इसमें, एंड बिहेविंग एज दे मस्ट हैव बिहेव्ड इन द सर्कमस्टांसेस, वो और ऐसे बिहेव करना जैसे कि उन्होंने तब किया होगा जब उनके पास ऐसी परिस्थितियां आई होंगी। वॉज द लेबर एंड जॉय ऑफ द जीनियस हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट। ये क्या है, लेबर का मतलब कि हार्ड वर्क है और जॉय है, आनंद है, किसका, एक जीनियस हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट का। इट इज दिस फीलिंग फॉर द हिस्टोरिक पास्ट बिहाइंड द इंडिविजुअल दैट इज द क्लू टू स्कॉट्स जीनियस। ये एक इंडिविजुअल के पीछे के हिस्टोरिकल पास्ट की फीलिंग है जो स्कॉट के जीनियस या एबिलिटी का क्लू है, ठीक। History is the fourth dimension through which his character moves. History चौथा dimension है जिसकी वजह से उसका character चलता है।
Historical fiction is a literary genre in which the plot takes place in a setting located in the past. Historical fiction क्या है? एक literary genre है, literary style है, जिसमें कि plot चलता है उसका, जिसमें कि plot चलता है उसका किसी भी setting में, जो कि setting किस में है? Locate setting है past की. Miss Sophia Lee was the lady to have produced the first historical novel. Lee was the lady जिन्होंने first historical novel publish की थी, produce की थी. According to some critics, Scott is not the chief exponent of the historical novel. कुछ critics के अनुसार Scott जो है chief component नहीं है historical novel के. The real credit goes to the French novelist named Dumas. Real credit किसे जाता है? French novelist जिनका name था Dumas, the author of Three Musketeers. और Dumas किसके author थे? Three Musketeers के. Scott is known as the founder of historical novel. Scott किसे जाने जाते हैं? Historical novel के founder के तरीके से जाने जाते हैं. Elements of historical novel. It is set in the past and pays attention to the manners, social condition and other details of the depicted period. ये past में set होती है और attention किस चीज़ में attention देती है? Manners को, social conditions को और बाकी सारी details को उसी period, उसी represented period के. Authors also frequently choose to explore notable historical figures in these settings. और authors भी बार बार क्या करते हैं कि वो उस चीज़ को चूज़ करते हैं कि वो एक्सप्लोर करें जो फिगर्स हैं हिस्ट्री के नोटेबल फिगर्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है इन सब में. अलाउंग रीडर्स टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स माइट हैव रिस्पॉन्डेड टू देयर इन्वायरमेंट, ताकि रीडर्स को ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि उन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया होगा, कैसे रिस्पॉन्स किया होगा उस इन्वायरमेंट में. ठीक है, आगे देखते हैं. अ हिस्टोरिकल नॉवेल इज एन इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट डीलिंग प्राइमरली विद ह्यूमन कैरेक्टर एंड इंटरेस्टेड इन शोइंग द लाइफ एंड मैनर्स ऑफ ए बाइगॉन एज. एक हिस्टोरिकल नॉवेल क्या होती है? इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, काल्पनिक रिकंस्ट्रक्शन होती है पास्ट की, जो कि प्राइमरली मतलब मेनली किससे रिलेट करती है? ह्यूमन कैरेक्टर्स से. और इंटरेस्टेड होती है किस चीज़ में? लोगों की, शोइंग द लाइफ एंड मैनर्स ऑफ ए बाईगॉन एज, उनकी लाइफ और मैनर्स दिखाने के लिए जो हिस्ट्री में हो चुके हैं. बाईगॉन मतलब कि जो चीज़ निकल चुकी है, उस चीज़ के लाइफ और मैनर्स को दिखाने में इंटरेस्टेड होती है. आगे कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज़ नाइदर प्रॉपर हिस्ट्री नॉर प्रॉपर फिक्शन. ये ना ही पूरी हिस्ट्री होती है ना ही पूरी तरीके से और ना ही पूरी फिक्शन. इफ द फिक्शन एलिमेंट डोमिनेट्स इट सीजेस टू बी हिस्ट्री. अगर फिक्शन का एलिमेंट्स जो है ज़्यादा होंगे तो ये हिस्ट्री नहीं रहेगी फिर. ऑन द अदर हैंड इफ द हिस्ट्री एलिमेंट इज टू स्ट्रांग, जबकि अगर दूसरी ओर देखें तो अगर हिस्ट्री एलिमेंट ज़्यादा होंगे उसमें, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, To that extent, it suffers as fiction. तो ये एक fiction नहीं रहेगी. It is expected to represent the ways, manners and customs of the past with a lively manner, lively imagination. ये इससे expect किया जाता है कि वो ये उस time के past के ways, manners और customs को एक lively मतलब कि जीवित तरीके से दिखाए. Aim of historical novelist is not so much to focus attention on historical character and event, but to become a chronicle representing the life and manners, the ways and feelings of the people of a particular period chosen by him for deliberation. Means the aim of historical novelist is not so much to focus attention on historical characters. हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट का एम ये नहीं होता कि वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स और इवेंट्स पे फोकस करे, बट टू बिकम अ सोशल क्रॉनिकल. उसका क्या वो उद्देश्य होता है कि वो एक समाज का, बट टू बिकम अ सोशल क्रॉनिकल, क्या करना चाहता है कि वो एक समाज का क्रॉनिकल का मतलब कोई भी पास्ट इवेंट जो हुई है उसको दिखाना चाहता है. तो रिप्रेजेंटिंग द लाइफ एंड मैनर्स
द वेज एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, जो कि लाइफ और मैनर्स और वेज एंड फीलिंग्स को दिखाए उन लोगों के, किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लोगों के, चूजन बाई हिम फॉर डेलिनिएशन, जो कि उसके द्वारा ही चूज की गई है. फॉर डेलिनिएशन मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए. नेक्स्ट, द हिस्टोरिकल नॉवल इज द नॉवल ऑफ मैनर्स एज अ कंटेम्प्रेरी. नेक्स्ट, द हिस्टोरिकल नॉवल शुड बी इंडोर्ड विद अ फीकेंट इमेजिनेशन टू रिक्रिएट द इंस्टिंक्ट विद लाइफ, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पीडेंट्स वर्ट वन ब्रीथिंग एंड एक्साइटिंगली अलाइव. एंड दिस इज ऑल फॉर हिस्टोरिकल नॉवल. Hope you have liked the video. Like, share and subscribe. मिलते हैं next video में कुछ नई information के साथ. ठीक है, bye bye.